सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 12 में फ्रेजल वर्ब्स का टॉपिक चल रहा था, आज हम देखने जा रहे हैं इसका पार्ट 5, गेट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स। तो आइए स्टूडेंट्स, अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स में आज हम देखने जा रहे हैं नंबर 5, गेट, गेट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स। तो नंबर 1, गेट अवे, बचकर भागना। तो टू प्रिजनर्स गोट अवे, दो कैदी बचकर के भाग गए। इसके बाद में है गेट अवे विद, सामान लेकर भागना। तो दी थीव्स, चोर, गोट अवे विद दी ज्वेलरी, जवाहरात के साथ भाग गए। इसके बाद में है गेट अलोंग, जिसके दो हिंदी अर्थ हैं, एक तो प्रगति करना और एक घुल मिलकर रहना। फर्स्ट एग्जांपल में प्रगति करना, कि ही इज गेटिंग अलोंग वेरी वेल विद इंग्लिश, कि वह अंग्रेजी में बहुत अच्छी प्रगति, बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। और नेक्स्ट है घुल मिलकर रहना, कि मोहन कैन गेट अलोंग विद एनी बॉय, मोहन किसी भी लड़के के साथ घुल मिलकर रह सकता है। इसके बाद में है नेक्स्ट गेट अबाउट, इसके भी दो हिंदी अर्थ है, तो कानों कान फैलना और एक चलना। तो फर्स्ट दी न्यूज ऑफ दी डिफीट सून गोट अबाउट, डिफीट यानी होता है पराजय, तो पराजय की जो खबर है वो शीघ्र ही गोट अबाउट, कानों कान फैल गई। और अगला है चलना, कि आफ्टर सिकनेस, बीमारी के पश्चात, ही इज नाउ एबल टू गेट अबाउट, वह अब चलने में, चल फिर सकने में समर्थ है। इसके बाद में नेक्स्ट गेट ऑफ, इसके तीन हिंदी अर्थ है, भाग जाना, सजा से बचना और उतरना। तो सबसे पहले भाग जाना, दी थीव्स, चोर, गोट ऑफ, भाग गए विद दी स्टोलन गुड्स, चुराए हुए माल के साथ। और नेक्स्ट है सजा से बचना, ही गोट ऑफ विद ओनली ए फाइन, वो सजा से बच गया, ओनली ए फाइन, केवल जुर्माना उस पर लगाया गया। और इसके बाद है उतरना, घोड़े आदि से उतरना, कि ही गोट ऑफ दी हॉर्स, वह घोड़े से उतरा, एंड एंटर्ड ए हाउस, और एक घर में उसने प्रवेश किया। इसके बाद में है गेट ऑन, व्यवस्था करना, उन्नति करना और मैत्रीपूर्ण ढंग से रहना। तो नंबर 1, व्यवस्था करना, कि हाउ आर यू गेटिंग ऑन, तुम कैसे व्यवस्था कर रहे हो, तुम कैसे अपना काम चला रहे हो। इसके बाद में है उन्नति करना, ही इज गेटिंग ऑन वेरी वेल एट स्कूल, वह स्कूल में बहुत उन्नति कर रहा है। और इसके बाद में नेक्स्ट है मैत्रीपूर्ण ढंग से रहना, तो ही इज गेटिंग ऑन वेरी वेल विद हिज अंकल, कि वह अपने अंकल के साथ बहुत मैत्रीपूर्ण ढंग से रह रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट है गेट थ्रू, सफल होना, ही गोट थ्रू दी एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में सफल हुआ। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट, गेट ओवर, बीमारी से ठीक होना और काबू पाना। तो ही हैज गोट ओवर ए सीरियस इलनेस, वह एक गंभीर बीमारी से ठीक हो चुका है। और नेक्स्ट है काबू पाना, किसी कैन नॉट गेट ओवर हर साइनेस, वह अपने शर्मीलेपन पर काबू नहीं पा सकती। और नेक्स्ट है गेट अप, जागना या खड़ा होना। तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, जल्दी जागता हूँ। और नेक्स्ट खड़ा होना, कि द स्टूडेंट्स गोट अप, विद्यार्थी खड़े हुए, व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, जब अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया। और नेक्स्ट है गेट इनटू, फंस जाना और प्रवेश करना। तो द ऑफिसर गोट इनटू ट्रबल, अधिकारी परेशानी में फंस गया। और प्रवेश करना के लिए ही गोट इनटू ए बस, उसने एक बस में प्रवेश किया। फिर नेक्स्ट है गेट डाउन, उतरना, कि आई गोट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, कि मैं ट्रेन से उतरा। इसके बाद में है गेट इन, चुनाव में जीतना और प्रवेश करना। तो फर्स्ट एग्जाम्पल चुनाव में जीतना, दिस कैंडिडेट, ये जो प्रत्याशी है, हैज नो चांस, इसका कोई अवसर नहीं है ऑफ गेटिंग इन दिस टाइम, इस बार चुनाव में जीतने का। और नेक्स्ट है प्रवेश करना, द थीफ गोट इन थ्रू द विंडो, चोर ने खिड़की में होकर प्रवेश किया। और नेक्स्ट है गेट आउट, धब्बे हटाना, भेद खुलना और बाहर जाना। तो फर्स्ट एग्जाम्पल धब्बे हटाना, कि आई कांट गेट आउट दीज स्टेन्स फ्रॉम माई शर्ट, कि मैं मेरी शर्ट से ये धब्बे नहीं हटा सकता। और नेक्स्ट है भेद खुलना, दी सीक्रेट गोट आउट, जो रहस्य है वो खुल गया, जो भेद है वो खुल गया। और नेक्स्ट है बाहर जाना, जो इसका सबसे प्रचलित अर्थ है, कि दी टीचर ऑर्डर्ड दी बॉय टू गेट आउट ऑफ दी क्लास, अध्यापक ने उस लड़के को आदेश दिया कक्षा से बाहर जाने का। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, एक एट, आलोचना करना, सच्चाई का पता लगाना और पहुंचना। तीन इसके हिंदी अर्थ है। तो फर्स्ट आलोचना करना, शी इज ऑलवेज गेटिंग एट मी, वो हमेशा मेरी आलोचना करती रहती है। और नेक्स्ट है सच्चाई का पता लगाना, कि द पुलिस आर ट्राइंग टू गेट एट द ट्रुथ, पुलिस सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
और फिर है पहुंचना कि आई कुड नॉट गेट ए टीम बिकॉज ऑफ द क्राउड, कि मैं भीड़ के कारण उस तक नहीं पहुंच सका। अब नेक्स्ट गेट ऑन विद, मित्रता पूर्वक रहना, कि शी फाउंड इट इम्पॉसिबल टू गेट ऑन विद हर हस्बैंड, उसको अपने हस्बैंड के साथ मैत्रीपूर्ण ढंग से रहना असंभव लगा। फिर नेक्स्ट है गेट आउट ऑफ, बच निकलना, कि यू वर लकी, आप भाग्यशाली थे, टू गेट आउट ऑफ हिज क्लचेज, उसकी पकड़ से बच निकले। फिर है गेट टू पहुंचना, ही गोट टू हिज डेस्टिनेशन सेफली, वह अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंच गया। फिर नेक्स्ट है गेट बैक, जिसके दो हिंदी अर्थ है, एक तो प्राप्त करना और एक लौट आना। ही हैज गोट बैक हिज बुक, उसने अपनी पुस्तक प्राप्त कर ली है। और वेन डिड यू गेट बैक फ्रॉम अजमेर, आप अजमेर से कब लौट कर आए। फिर है गेट अबाउट, इधर उधर घूमना, तो ही गेट्स अबाउट द होल डे, वह पूरे दिन इधर उधर घूमता रहता है। और नेक्स्ट है गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना किसी से, कि आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई सर्वेंट, कि मैं मेरे नौकर से छुटकारा पाना चाहता हूँ। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट, गेट अहेड, उन्नति करना। आई वॉन्ट टू गेट अहेड इन माई लाइफ, मैं मेरे जीवन में उन्नति करना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट है गेट अराउंड, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना, कि सी गेट्स अराउंड विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक, वह एक छड़ी की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती है। फिर नेक्स्ट है गेट बाय, गुजारा करना, कि हाउ डू यू गेट बाय ऑन सच ए स्मॉल सैलरी, कि आप कैसे इतनी छोटी तनख्वाह पर गुजारा कर लेते हो। फिर नेक्स्ट है गेट राउंड, किसी को काम के लिए राजी करना, कि सी नोज, वह जानती है, हाउ टू गेट राउंड हर मदर, कि कैसे उसकी माँ को काम के लिए राजी किया जाए। फिर नेक्स्ट है गेट टुगेदर, विचार विमर्श के लिए मिलना, डिस्कशन के लिए मिलना, कि द प्रिंसिपल शुड गेट टुगेदर विद द टीचर्स, प्रधानाचार्य को अध्यापकों से विचार विमर्श के लिए मिलना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।